तो गाइस जैसे जैसे हम एवेंजर्स की फोर्थ एंड टाइटल मूवी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे नई नई फैन थ्योरीज हमारे सामने आती जा रही हैं। पर आज हम किसी फैन थ्योरी की नहीं बल्कि एक प्रॉपर एविडेंस पर नजर डालेंगे और ये एविडेंस डायरेक्टली आया है मार्वल एग्जीक्यूटिव्स, एवेंजर्स की कास्ट और फेज 3 की एक मूवी से। तो क्योंकि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स इतना वास्ट है इसीलिए हर एग्जीक्यूटिव और हर कास्ट के मुंह से निकले एक एक शब्द को क्लू की तरह लिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर इन्फिनिटी वॉर के प्रोमो इंटरव्यू में टॉम हॉलैंड और बेनेडिक्ट कंबरबैच ने खुद कहा कि डॉक्टर स्ट्रेंज इन्फिनिटी वॉर के एंड में नहीं मरेंगे। तो टॉम हॉलैंड से तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि शायद ही उनके पेट में कोई बात पचती होगी, पर अगर खुद डॉक्टर स्ट्रेंज के एक्टर ऐसा कह रहे हैं तो इस बात को सीरियस लेना पड़ेगा। ऊपर से रिसेंटली सामने आए एक एविडेंस से ये बात और भी क्लियर हो गई है, तो आइए इसके बारे में और डिटेल में बात करते हैं। तो गाइस आपका स्वागत है फैन थ्योरी फ्राइडे के तीसरे एपिसोड में, जहां बेशक आज फ्राइडे ना हो पर फिर भी आज हम बात करने जा रहे हैं इन्फिनिटी वॉर में हुई डॉक्टर स्ट्रेंज की डेथ के बारे में। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम जिस थ्योरी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो एक पोटेंशियल एविडेंस है जिसे कई फैंस ने रिसेंटली ही नोटिस किया। इस एविडेंस के अनुसार ये चीज अब और भी क्लियर हो गई है कि थानोस को हराने में सबसे बड़ा हाथ डॉक्टर स्ट्रेंज का होगा। तो चलिए थोड़ा डीप जाते हैं। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में डॉक्टर स्ट्रेंज ने 1,40,605 वर्जन देखे थानोस के खिलाफ लड़ने के, जिनमें से एवेंजर्स सिर्फ एक ही में जीत रहे थे, जिसका मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज ने जानबूझ के स्टार लॉर्ड को खुद पर से कंट्रोल खोने दिया और इसीलिए उन्होंने आयरन मैन की जान के बदले टाइम स्टोन थानोस को दे दिया, क्योंकि वो जानते थे कि ये सब उस एक वर्जन का पार्ट है, वो वर्जन जिसके एंड में थानोस की हार होना तय है। हालांकि इन सब में एंटमैन एंड द वॉस्प की एंडिंग का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज ने थानोस की चुटकी की टाइमिंग परफेक्टली फिट होने दी एंटमैन के क्वांटम रियल में जाने के टाइम से। तो इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अब आते हैं उस इम्पोर्टेंट डिटेल पर जो कि आपको हिला के रख देगा, और ये डिटेल हमें दिखा 2016 की डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में, जहां हमें पता चला कि अर्थ की सॉर्सरर सुप्रीम द एंशिएंट वन ने अपने फ्यूचर के सारे पॉसिबल इवेंट देखे, पर वो सारे उस पॉइंट पर आकर रुक गए जहां वो मरने वाली थी। तो इसका मतलब अगर डॉक्टर स्ट्रेंज भी इस पॉइंट पर मरते हैं तो वो इसके आगे के इवेंट के बारे में कैसे देख सकते हैं और वो कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि उनके मरने के बाद एवेंजर्स थानोस से जीत जाएंगे। तो डॉक्टर स्ट्रेंज हमारे सामने इन्फिनिटी वॉर के एंड में डस्ट बन गए, पर मैं फिर से डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। उस मूवी में जब डॉक्टर स्ट्रेंज की बॉडी मरने की कगार पर थी तब डॉक्टर स्ट्रेंज एस्ट्रल फॉर्म में चले जाते हैं, जहां उनकी बॉडी के साथ बेशक जो भी हो रहा हो वो काइसिलियस के चेले से लड़ना रोकते नहीं है। इन सबके ऊपर एक इंटरव्यू में टॉम हॉलैंड ने कैजुअली स्पॉयलर्स बांटते हुए ये मेंशन किया कि एवेंजर्स की फोर्थ अनटाइटल मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज क्वांटम रियल से डील करेंगे। साथ ही साथ कहा ये भी जा रहा है कि एवेंजर्स 4 में डॉक्टर स्ट्रेंज का एक बहुत ही लंबा सीन है जिसमें पूरी मूवी के बजट के 30% खर्च हो गए। तो इन सारे पॉइंट से मिलके जो थ्योरी बनी है वो ये है कि डॉक्टर स्ट्रेंज मरे नहीं बल्कि वो एस्ट्रल फॉर्म में चले गए हैं, जहां वो क्वांटम रियल में फंसे एंटमैन को ही बचाएंगे। पर हमारे पास बेशक कितने भी एविडेंस हो तब भी मैं यही कहूंगा कि ये सारी बातें एक फैन थ्योरी कहलाएंगी। हालांकि आज तक डिस्कस करी सारी फैन थ्योरीज में से ये थ्योरी एवेंजर्स की फोर्थ अनटाइटल मूवी के सबसे क्लोज लग रही है। तो गाइज ये थी एक जबरदस्त फैन थ्योरी डॉक्टर स्ट्रेंज की डेथ को लेके। डॉक्टर स्ट्रेंज का तो पता नहीं पर फिलहाल एवेंजर्स की फोर्थ अनटाइटल मूवी के टाइटल का बहुत इंतजार है। ऊपर से इस बार सैन डिएगो कॉमिक कॉन में रूसो ब्रदर्स ने फैंस को एवेंजर्स 4 का टाइटल तो बताया पर मुद्दे वाले शब्दों पे उन्होंने बीप कर दिया। ये लोग तो मजे ले रहे हैं फैंस से, पर फिर भी अगर उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके पास कोई नया फैक्ट इस मूवी से रिलेटेड तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ आप मुझे ये भी बताएं कि आपके हिसाब से इस फैन थ्योरी में कितना दम है। ऊपर से लेटेस्ट सुपर न्यूज और असम सुपर फैक्ट्स के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और गूगल पर से फॉलो करना ना भूलें। हम हर जगह हैं। तो गाइस अगर आप कॉमिक्स में डॉक्टर स्ट्रेंज को एक्शन में देखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी वर्ल्ड वॉर हल्क कॉमिक सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर पीस।